चलते चलते। तो अभी हमने किले में प्रवेश किया है, और ये देखो पुराने टाइम में इस तरीके से गेट बंद हो जाया करता था, इसी टाइम का गेट है। और अब हमने किले में, यहाँ भी ऐसा ही गेट है, किले में प्रवेश किया है। किले में प्रवेश के बाद ये नगाड़े पुराने टाइम के, ये भी एक गेट, ये किला। आपका शुभ नाम भाई साहब? भाग सिंह। भाग सिंह जी, कुछ हमें बताएंगे इस जगह के बारे में, जो भी जानकारी होगी आपको। ये 122 राज होने का राज किया जी इस किले से। अच्छा जी, हाँ जी ठीक है, मैं बाद में कर देना। हाँ तो बताइए जो भी जानकारी आपको होगी। 133 करोड़ देवी देवताओं का वासना है जी इसमें। अच्छा, हाँ जी। तो किसी राजा का नाम आप बता पाएंगे जो सबसे अंतिम रहे होंगे यहाँ के? अंतिम राजा श्री पद्म सिंह जी। अच्छा, जिन्होंने फिर बुशहर में भी महल बनाया। महल बनाया जी। तो वो अब उनके वंशज लोग आते हैं यहाँ? आते हैं जी, रुकते हैं। बीरबल जी आते हैं, उनके बेटा भी जीत सिंह आते रहते हैं यहाँ। तो उन्हीं के अभी ये कंट्रोल में है? हाँ जी। अच्छा, तो ये जो ये है किला, यहाँ पे रहने का था, और इसी में मंदिर बता रहे आप, मंदिर किस जगह है यहाँ पे? ये सामने बद्रीनाथ जी का कामाख्या टेम्पल, कामाख्या देवी। कामाख्या देवी की पूजा तो असम में होती थी, यहाँ वहीं से आए, असम से आए। असम से यही है? कोई इनके बारे में इतिहास, कोई जानकारी आपको हो? इसके बारे में तो कमोक्ति बजाएगी नहीं जानकारी। तो यहाँ इस अंदर जो अहाते में कोई मेला, कोई विशेष उत्सव होता है कभी? यहाँ उत्सव नहीं होता, उत्सव नीचे बद्रीनाथ मंदिर में होता है सारा। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पे है? यहाँ नीचे, नीचे पे है जी, वो आज निकल रहे हैं जी। ठीक ठीक, पहला नवरात्र है आज, आज निकलेंगे। तो आज हम पहले नवरात्र पे आए, तो हमें कुछ विलक्षण यहाँ पे दिखेगा। धन्यवाद जी। जी यहाँ पर बद्रीनाथ जी जब भी आते हैं सबसे पहला पूजा यहीं करते हैं जी। ठीक, जब किले का कुछ भी होता है सबसे पहले पूजा यहीं। ठीक ठीक, शुरू होता है। अच्छा, अंदर तो स्थापना की हुई है कुछ? हाँ जी, देवताओं की। अच्छा, करोड़ देवी देवता बता रहे हैं। बहुत अच्छे। कामरू का ऐतिहासिक किला, नीचे सांगला, काफ़ी जानकारी भाग सिंह जी ने दी है, जो यहाँ आजकल इसका हेलीकॉप्टर कर रहे हैं। और एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताई कि जो मंदिर है सामने, कामाख्या देवी का मंदिर है, और उसी के नाम से कामरू इस जगह का नाम पड़ा है। तो कामाख्या देवी तो असम की अधिष्ठाती देवी है, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि लोगों का आना जाना रहा है, एक दूसरे से संवाद रहा है, किसी ना किसी तरीके के कहीं ना कहीं रहे हैं कॉन्टैक्ट। असम ने भी जानकारी दी है कि आज क्योंकि पहला नवरात्रा है, तो कुछ विशेष पूजा होगी, तो उसके लिए इन्होंने ये सब वाद्य यंत्र हमारे पुराने निकाले हैं, और अब इनको बजाया जाएगा नवरात्र के इस अवसर पे। पुरानी ही तकनीकी से बना हुआ किले का भारी भरकम दरवाजा, आरपी में सर को प्रणाम कर देना। अच्छा जी, और किले के दर्शन के बाद अब हम बढ़ रहे हैं यहाँ कामरू गांव के बद्रीनाथ भगवान मंदिर। और आज बताया गया है कि पहले नवरात्रि पे कोई विशेष पूजा 10 बजे से आरंभ होगी, तो हम दर्शन कर लेंगे। कल रात चूँकि हम यहाँ रुके थे, तो ये देखने में आया कि घर के अंदर एक लोहे की
बॉक्स होता है एक, उसकी चिमनी ऊपर होती है और उसके अंदर आग जलाई जाती है, तो उसकी गर्माहट जो है वो एक तरीके से रूम हीटर का काम करती है, और गैस अंदर ही ना रह जाए तो उसके लिए ये बाहर चिमनी देखी है। ये यहाँ का अच्छा कंसेप्ट आया है एक सामने। कामरू गांव में बौद्ध मंदिर है और उसी के साथ बिल्कुल लगते हुए बद्रीनाथ मंदिर। तो ये जो जगह है दोनों ही संस्कृतियों का मिलन स्थल कही जा सकती है। तिब्बत से बौद्ध धर्म आया इधर और स्थानीय हमारी जो धर्म रहा सनातन धर्म, तो ये एक दूसरे को एक्सेप्ट किया गया है।